आज हम खड़े हैं करोल बाग मेट्रो स्टेशन पे और हम जाएंगे करोल बाग में। अभी नया ओपन हुआ है एचपी ओमेन प्लेग्राउंड, जहां पे आज गेम कंपटीशन है। यहां से हम रिक्शा लेंगे करोल बाग पुलिस स्टेशन का, हमें रिक्शा छोड़ेगा चर्च पे और चर्च के बिल्कुल सामने ही है एचपी वर्ल्ड यानी एचपी ओमेन प्लेग्राउंड। यहां से रिक्शे जब आप पकड़ते हैं तो रिक्शे से आपको दिखाता हूँ कि आप अजमल खान रोड से होते हुए जाते हैं। अब हम किधर की तरफ जा रहे हैं? ये टिप टॉप मार्केट होते हुए जाएंगे जी। और कौन सा रोड होगा पीछे? तो अजमल खान रोड था। अजमल खान रोड हो गया। हाँ, ये आपका टिप टॉप मार्केट वाला सरस्वती रोड, सरस्वती मार्ग। अब हम सरस्वती मार्ग के थ्रू होते हुए करोल बाग पुलिस स्टेशन जाएंगे, जहाँ पे एचपी ओमेन प्लेग्राउंड है। रास्ते में बहुत सारी मोबाइल एक्सेसरीज और मोबाइल रिपेयरिंग की दुकानें दिखाई दे रही है। यहाँ गफ्फार मार्केट है, ये एशिया की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट है। यहाँ पे आपको सारे मोबाइल फोन, सारी एक्सेसरीज, सारे मोबाइल पार्ट्स आपको मिल जाते हैं। ये देखिए, ये चर्च है, तो चर्च के सामने ही आपका एचपी वर्ल्ड। तो हाँ जी, हम आ गए हैं करोल बाग में। यहाँ आप देखेंगे हमारे सीधे हाथ पे चर्च है और उल्टे हाथ पे करोल बाग पुलिस स्टेशन। तो हम चलते हैं ओमेन प्लेग्राउंड पे। तो हम आ गए हैं करोल बाग एचपी वर्ल्ड पे, जो अब एचपी वर्ल्ड नहीं, एचपी ओमेन प्लेग्राउंड भी है। तो आज यहाँ पे गेमिंग कॉम्पिटिशन है। आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं आज कॉम्पिटिशन कैसा होगा। एक बार मैं बता दूँ, यहाँ पे आप आएंगे तो आप गाड़ी लेके भी आ सकते हैं, यहाँ पे पार्किंग का बहुत स्पेस है, आप इजीली गाड़ी अपनी पार्क कर जाएगी। तो आइए चलते हैं अंदर। तो आज हम आ गए हैं एचपी ओमेन प्लेग्राउंड करोल बाग, जहाँ पे आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा स्टोर है। मैं सही बताऊं, मैंने काफी स्टोर देखे हैं ये, लेकिन बहुत बड़ा स्टोर मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मिलते हैं यहाँ पे मैनेजर से। तो आप यहाँ पे जॉब करते हैं? मैं आपका मैनेजर हूँ सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश है। तो मिस्टर महेश, आप यहाँ मैनेजर हैं? मैं मैनेज भी करता हूँ और सेल्स भी करता हूँ। तो ये स्टोर कब खुला है वाला? इसको खुले में 2 महीने हो गए हैं सर। ये दिल्ली का सबसे बड़ा स्टोर है। अच्छा, क्योंकि कॉमन प्लेग्राउंड भी और हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या मतलब, इसकी क्या खासियत होती है? इसमें आपको लाइफ स्टाइल, जो नॉर्मल लैपटॉप हमारे होते हैं, जो स्टार्टिंग रेंज के होते हैं, प्रीमियम रेंज तक के सब मिलते हैं, साथ में गेमिंग लैपटॉप भी मिलते हैं। ये गेमिंग लैपटॉप तो हर स्टोर पे मैंने देखे हैं, एचपी वर्ल्ड पे भी सब पे ही मिलते हैं। यहाँ पे क्या आपको गेमिंग लैपटॉप आपको डिस्प्ले में भी सिर्फ एक मिलेगा, आप गेमिंग एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ये तो मैं देख रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ नॉर्मल एचपी वर्ल्ड पे एक या दो गेमिंग लैपटॉप होते हैं, और यहाँ मेरे ख्याल से 15-20 गेमिंग लैपटॉप डेमो पे लगे हुए हैं। तो ये आपने अभी वैसे कहा हाइब्रिड स्टोर है, हाइब्रिड में ऐसा क्या हाइब्रिड मतलब? मैं ये देख रहा हूँ नॉर्मल यहाँ पे अगर हम 30-35 हज़ार रुपए के जो लैपटॉप लेना चाहे वो भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं सर। अच्छा, यहाँ पे स्टार्टिंग हमारी आती 26 हज़ार से, और आगे कोई रेंज में 3 लाख रुपए तक के लैपटॉप को डिस्प्ले मिल जाएंगे। ओके, वेरी गुड। मतलब यहाँ पे अगर कोई भी लेना चाहे, क्योंकि जैसे एचपी ने मैंने देखा बाहर ओमेन प्लेग्राउंड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप जो आते हैं कस्टमर्स उनको गेम्स भी खिलाते हैं? बिल्कुल खिलाते हैं। तो क्या चार्जेस लेते हैं गेम्स के? कोई चार्जेस नहीं होते। आज हमारे यहाँ पे इवेंट भी होने वाला है, 2 बजे से इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें गेमिंग कॉम्पिटिशन है। बेसिकली पूरी दिल्ली से लड़के आएंगे, 3 से 5 टीमें होंगी जिनके आपस में मैच होंगे। अच्छा, उसके बाद जो विनर्स होंगे उनको प्राइजेस भी मिलेंगे। तो बेसिकली आपका कहना है कि अगर कोई लैपटॉप गेमिंग लेना चाहे तो आपके पूरी वैरायटी है, इंस्टॉल करके भी वो प्ले करके देख सकता है, प्रॉपर प्ले होगी। आप बिल्कुल एक्सपीरियंस करेंगे कस्टमर हमारे, एक्सपीरियंस करने वाले लैपटॉप मिल सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा आइडिया है एचपी का कि कोई भी लैपटॉप लेने से पहले कस्टमर, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप 1 लाख से ऊपर आते हैं, और कोई लैपटॉप ले उसकी गेम प्ले ना हो तो यहाँ पे इंस्टॉल करके प्ले करके देख सकता है वो, फिर वो लैपटॉप परचेज कर सकता है। यहाँ पे अगर कोई कस्टमर लैपटॉप खरीदने आता है तो ऐसा कुछ है कि आप उसको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं या कुछ फ्रीबीज? बिल्कुल, हमारे प्लेग्राउंड पे आपको कोई भी आप गेमिंग लैपटॉप लेते हैं ओमेन या विक्टस, तो आपको हाइपरएक्स के माउस और हेडफोन जो कि 8,500 रुपए के होते हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टेंट मिलेंगे, बाद में भी नहीं आएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे,
नॉर्मली 500-1000 रुपए देने होते हैं। नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं देना, लेकिन वो रिडीम करके आते तो है ना। नहीं नहीं आपको साथ के साथ देंगे, जैसे साथ के साथ देंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है जो एचपी ओमेन प्लेग्राउंड अपने स्टोर्स पे जो ऑफर आ रही है, हेडफोन माउस हाइपर एक्स के आते हैं गेमिंग, जो बहुत महंगे होते हैं, करीब 8-8.5 हजार रुपए के होते हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो इंस्टेंट देंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये स्पेक्टर हमारा सबसे प्रीमियम सीरीज, हाँ सबसे प्रीमियम आते हैं स्पेक्टर। उसके बाद ये NV13 आता है, ये फिर NV16 आता है जिसमें वीरैन भी आपको मिलेगी। ये पेविलियन 15 है, ये कन्वर्टेबल 360 14 है, पेविलियन 14 जिसको बोलते हैं, ये पेविलियन 14 आता है, ये हमारा एरो सीरीज। देखिए ये तो सारे प्रीमियम लैपटॉप है, अगर कस्टमर कोई 30,000 का या 35,000 रुपए का लेना चाहेगा तो वो हमारे इस तरफ है। ये ऑलिमन आ गया हमारा जो स्टार्ट हो जाता है हमारा 35,000-36,000 से। ये 14S है 15S है, ये स्टार्टिंग हो जाता है 30,000 से। पवेलियन सीरीज, पवेलियन गेमिंग हमारे पास आ जाती है, ये भी बहुत अच्छा हमारा डिस्काउंट पे आया है। ये हमारा विक्टस आ जाता है, ये हमारा गेमिंग डेस्कटॉप है विक्टस का, ये भी विक्टस है। दोस्तों मैं यहाँ पे ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ लैपटॉप ही नहीं, प्रिंटर्स भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रिंटर्स भी हैं। अगर आप देखेंगे तो एसेसरीज, कार्ट्रिजेस वगैरह, और यहाँ पे मैं ये भी देख रहा हूँ यहाँ पे हाइपर एक्स की एसेसरीज और गेमिंग एसेसरीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओवरऑल अगर मैं ये कहना चाहूँ कि अगर एचपी से आपको रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो आप इस स्टोर पे आके ले सकते हैं। तो हमने देखे यहाँ पे बहुत गेमिंग लैपटॉप मेरे को आज दिखाई दे रहे हैं, मैं खुद देख रहा हूँ क्योंकि मैं कई एचपी वर्ड्स पे गया हूँ, मोस्टली वहाँ पे एक या दो एक कॉम्बी लगा होता है, कभी एक पवेलियन एक विक्टर, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पूरा स्टोर गेमिंग के लिए ही है। तो दोस्तों अब हम थोड़ी देर वेट करेंगे, जैसा अभी हमें मिस्टर महेश ने बताया कि 2 बजे से गेमिंग कॉम्पिटिशन शुरू है, हम थोड़ा जल्दी आ गए, हम बड़े एक्साइटेड थे, उस एक्साइटमेंट में बहुत जल्दी आ गए हैं। हम वेट करेंगे और वेट करते हैं, आज देखते हैं गेमिंग कॉम्पिटिशन कैसा रहता है। जी हाँ, यहाँ पे गेमर्स आ चुके हैं, टोटल मिला के 4 टीम्स हैं जो आज यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करेगी। 3 मैच होंगे, 2-2 टीम के, और जो 2-2 टीम विन करेंगी उनमें से जो एक विनर निकलेगा दोनों मैच में से, उनमें से एक फाइनल विनर आएगा, और फिर जो फाइनल विनर होगा उसका कल कॉम्पिटिशन होगा जो बाकी ओमेन प्लेग्राउंड है, कोई हैदराबाद में है, कोई जालंधर में है, कई ओमेन प्लेग्राउंड है वहां पे भी मैच हो रहे हैं आज, वहां से जो विनर निकलेंगे उनका कल कॉम्पिटिशन होगा जो यहाँ से विनर निकलेगा। तो यहाँ 2 टीम के बीच में कॉम्पिटिशन शुरू हो चुका है, इनमें से जो विनर होगा और जो इसके बाद 2 टीम खेलेंगे उनमें से जो विनर होगा उन दोनों का आपस में कॉम्पिटिशन होगा। चलिए देखते हैं कौन जीतता है आज का मैच। तो हाँ, 2 फाइनलिस्ट निकल चुके हैं, अब इन दोनों फाइनलिस्ट के बीच में मुकाबला चल रहा है, अब इसमें से जो फाइनल विजेता होगा, जो विनर होगा, वो कल खेलेगा हैदराबाद के विनर से। तो आज हम खड़े हैं करोल बाग के एचपी ओमेन प्लेग्राउंड पे, तो अभी अभी यहाँ पे कंपटीशन हुआ टीम्स का, तो आज हम इस टाइम है विनिंग टीम पे, ये हमारी विनिंग टीम है। एक हम बात करते हैं, आपका क्या नाम है? मिस्टर इमान, तो कांग्रेचुलेशन आप जीते हो, तो आपको कौन सी गेम खेल रहे थे, तो एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको? तो आप घर पे कौन सा लैपटॉप है आपके पास? डेस्कटॉप। कौन सी कंपनी का? एचपी का।
तो इसमें उसमें फर्क दिखा आपको? हाँ फर्क बहुत था उसमें, जैसे भी जाए एचपी लैपटॉप तो गेमिंग लैपटॉप नहीं। अच्छा ये तो आपका गेमिंग लैपटॉप पे आप खेल रहे हैं, कौन सा लैपटॉप है आप यूज कर रहे हैं? ओमेन है। क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसका आपके में? आप सर ये Ryzen 7 है और आपने देखेगा तो वैसे मैंने बड़ी कम लड़कियां देखी है जो गेम्स खेलती है, तो आपको काफी शौक है गेम्स खेलने का तो आज आप यहाँ पे गेम खेला आपने, आपको घर पे भी खेलते हैं, कौन से लैपटॉप पे खेलते हैं आप? आज आप यहाँ पे किसने खेला आपने? ओमेन में। आप स्पेसिफिकेशन देखी लैपटॉप की, क्या स्पेसिफिकेशन, क्या अच्छा लगा आपको इस लैपटॉप में? माउस कौन सा है? अच्छा हाइपर एक्स का माउस है आपके, कोई लैग नहीं आपको, कोई गेम में होगा शिकायत? और कुछ कहना चाहेंगे? तो आपने देखा आज गेमिंग कॉम्पिटिशन, जी हाँ हम गए थे दिल्ली के अंदर करोल बाग में, एचपी ने अपना ओमेन प्लेग्राउंड खोला है। ये ओमेन प्लेग्राउंड भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हम ये कहें कि ये हाइब्रिड स्टोर था जिसमें एचपी के आपको बेसिक लैपटॉप के साथ साथ गेमिंग लैपटॉप जैसे विक्टस और ओमेन वो भी मिल जाएंगे। तो एचपी ने अपने अलग अलग सिटी के अंदर अलग अलग गेमिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किए थे और जिनका उन्होंने फाइनल भी किया और जो विनर्स थे उनको गिफ्ट भी दिए। आगे भी हम कोशिश करेंगे अगर कहीं भी किसी भी स्टोर पे ऐसे कॉम्पिटिशन होंगे, हमें इन्विटेशन आएगा तो हम जरूर जाएंगे। और हाँ कभी भी आपने एचपी का ओमेन या विक्टस लैपटॉप लेना हो तो आप गेमिंग स्टोर पे जरूर विजिट करिएगा। कंपनी जो एचपी है वो कोशिश कर रही है एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए और एक आपको एक्स्ट्रा ऑफर्स भी आपको देखने को मिलेगी ओमेन प्लेग्राउंड्स पे गेमिंग लैपटॉप के ऊपर। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में नए लैपटॉप के साथ। जय हिंद।